बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने ये पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम है या फिर हमारे पास जो चैप्टर है आपके पास, वो चैप्टर नंबर 7 है किंगडम। हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की लास्ट टाइम कुछ करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी। अब ये जो करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी उसमें सबसे पहली चीज हमने ये कहा कि हमारे पास ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये यूनिसेलर फॉर्म में पाए जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पास मल्टीसेलर में भी हैं, लेकिन मल्टीसेलर में सिंपल ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीसेलर क्या होंगे, सिंपल होंगे। इसके अलावा हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म क्या थे, कॉलोनियल थे। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर एक्सिस्टर, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सब के क्या हैं, ये एक्सिस्टर हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा हमारे पास ये ऐसा ग्रुप था कि जिसको हमने क्या कर दिया, या फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सक्लूजन मतलब इसको बाकी तमाम ग्रुप से निकाल दिया। बाकी तमाम ग्रुप से क्यों निकाल दिया, क्यों, इसकी जो खसूसियत थी या फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक है बाकी सबसे जो है वो जुदा जुदा है। आज प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। अब जो प्रोटोजोआ हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोआ की अगर करेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो हमारे पास मोस्टली ये क्या है, यूनिसेलर है। जहां पर ये यूनिसेलर है वहीं पे ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एंडोसाइटोसिस का फिनोमिना करते हैं। सबसे पहले दे आर द यूनिसेलर, जहां पे ये यूनिसेलर हैं वहीं पे इसमें क्या होती है, एंडोसाइटोसिस होती है। अगर आपको याद हो चौथा चैप्टर जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन उसमें फंक्शन पढ़ा था एंडोसाइटोसिस का, क्या होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा ये फिनोमिना है, सेलुलर मैकेनिज्म है कि जिसमें कोई भी चीज है, कोई भी चीज से मुराद जो फूड है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर उसको लेके जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब प्रोटोजोआ में हमारे पास इसके जो ग्रुप हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, एक्टिनोपोड्स पाए जाएंगे, फॉर्मनफीरा है, एपिकम्प्लेक्सन है। इसके अलावा जो सिलियट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, अमीबा इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा या फिर ग्रुप है जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ज़ूफ्लैजिलेट्स के अलावा हम कहते हैं यहाँ पे एक्टिनोपोड्स पाए जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, सीलेट्स पाए जाते हैं। और तो ये एक या फिर ये जो ग्रुप है इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो है अमीबा है। व्हाट इज द अमीबा, अमीबा के अंदर किस किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैरासाइट शामिल हैं। व्हाट इज द पैरासाइट्स, पैरासाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, पैरासाइट के बारे में हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं, जो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। किसकी बॉडी, होस्ट की। वहां पे फिर ये क्या हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं और बदले में क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो भले का जमाना नहीं है। तो पैरासाइट्स ये भी इसी के अंदर क्या है, शामिल है। अब इसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक को देखें। सबसे पहली चीज क्या है, दे लैक फ्लैजेला कि इनके अंदर जो फ्लैजेला है वो नहीं पाए जाते। फ्लैजेला जब नहीं पाए जाएंगे तो फिर ये लोकोमोशन कैसे करेंगे। लोकोमोशन इसमें होती है सीडोपोडिया। व्हाट इज अ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के बारे में हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से इसकी मूवमेंट होती है, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं सीडोपोडिया। अब दरअसल मैं आपको बताने लगा हूं कि सीडोपोडिया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन क्या है। अगर हम यहां पर इस तरीके से डायग्राम बनाए, फर्ज किया यहां पे ऐसे और इस तरीके से ये एक डायग्राम हो गई। अब यहां पे दरमियान में इसका क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। यहां पे हम कहते हैं इसके पास क्या मौजूद है, ये फूड वैक्यूल मौजूद है। अब यहां पे आपको इस तरीके से ये देखें, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है।
अब ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुड़ी हुई मेम्ब्रेन है, इसी को हम किस चीज का नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं स्यूडोपोडिया का। अब होता क्या है, होता ये है कि साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन, या फिर हम इसको यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, उस टर्म को आप किस चीज का नाम देते हैं, प्रोटोटेरियन। प्रोटोटेरियन का मतलब क्या होता है, प्रोटोटेरियन का मतलब है जैसे ये मेरा हाथ है, प्रोटोटेरियन का मतलब है किसी चीज का निकला हुआ होना। अब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे अंदर का हिस्सा हो गया, ये देखिए ये साइटोप्लाज्म हो गया सारे का सारा। अब ये साइटोप्लाज्म, ये सारा प्रेशर या फिर जो यहाँ पे फ्लूइड होगा, अब ये फ्लूइड अगर यहाँ पे जमा हो, सारा फ्लूइड यहाँ पे जमा होकर अगर क्या डिवेलप करता है, प्रेशर डिवेलप करेगा। जैसे प्रेशर डिवेलप करता है तो क्या ख्याल है, इसकी मेम्ब्रेन में कुछ मूवमेंट पैदा होगी, इसकी मेम्ब्रेन आगे बढ़ेगी, तो एक लिहाज से फॉल्स फीट का काम करते हैं, फॉल्स फीट का काम करेंगे और इसकी बॉडी जो है वो आगे मूव कर जाएगी। तो ये यहां पे क्या है, स्यूडोपोडिया। लोकोमोशन इसमें कैसे होते हैं, स्यूडोपोडिया की वजह से। बाकी इसमें फ्लैजेला जो है वो नहीं पाया जाता जिसकी मदद से ये क्या कर सकें, मूव कर सकें। इसके अलावा अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बड़ी ही बेहतर किस्म की एग्जाम्पल है, उसको हम नाम देते हैं इंट अमीबा हिस्टोलेटिका। What is the ant amoeba histolytica? That is a intestinal amoeba. ये human के intestine के अंदर रहता है and cause the stomach pain, या फिर आप कह सकते हैं dysentery, amoebic dysentery उसका ये बायस बनेगा। ant amoeba histolytica की है, ये रहता कहाँ पे है, human में कहाँ पे रहता है, intestine में, और उसकी वजह से ये किस चीज का बायस बनता है, amoebic dysentery का बायस बनता है। इसके अलावा हमारे पास आपके बुक में giant amoeba का तस्करा है। जेंट अमीबा हमारे पास जो है वो ऐसे अमीबा हैं जिसे हम, उसका साइंटिफिक नेम है पिलोमैक्सा पैलोस्ट्रिस। जेंट अमीबा है हमारे पास, उसका साइंटिफिक नेम यहां पे जो मेंशन है पिलोमैक्सा Pilomaxa pulastris। अब ये जेंट अमीबा है, that is a primitive eukaryotes। इसके बारे में जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये ऐसा अमीबा है जो primitive eukaryotes है, मतलब बहुत पुराने दौर का। मतलब इसका ये हुआ कि उस दौर में जब एवोल्यूशन हो रही थी, जब prokaryotes से eukaryotes बन रहे थे, उस दौर में पाया जाने वाला ये primitive हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म ये eukaryotes है, that has a membranous bound, या फिर हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी फूड या फिर एनर्जी कह लें आप, हम उनको नाम देते हैं मैथोजीनिक बैक्टीरिया, that reside, जो रहते हैं, रहते कहां पे हैं, हम कहते हैं ये इनसाइड द जेंट अमीबा, मैथोजीनिक बैक्टीरिया हैं, they reside inside them, मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर ये रहते हैं, उसी से ये क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और इसके अलावा आपके पास जेंट अमीबा है, जेंट अमीबा आप कहां पे रहता है, जेंट अमीबा जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का जो बॉटम होता है, वहां पे जो मड होती है, ये वहीं पे रहता है, और वहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। अगर यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो, अभी हम पढ़ रहे थे अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पे तमाम किस्म के अमीबा में ऐसे जानदार शामिल हैं जो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, स्वेल में रहते हैं, या फिर इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट क्या होती हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो आपसे बेनिफिट गेन करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, बेनिफिट गेन करके फिर बदले में कोई ना कोई नुकसान या फिर डिजीज काज करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट का नाम देते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें लोकोमोशन कहते हैं कैसे होती है, लोकोमोशन के लिए देह नॉट अ फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते। जब फ्लैजेला नहीं पाए जाएंगे तो फिर सवाल यह है, ये मूव कैसे करेंगे। फिर हमने कहा हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन की मदद से ये मूव करते हैं, और उसको हम क्या नाम देते थे, स्यूडोपोडिया का नाम देते थे। पर क्या यहाँ पे आपके पास ये अमीबा है, अमीबा को हम यहाँ पे ड्रा किया, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम कहते हैं ये वैक्यूल है,
इस वैक्यूल को आप किस चीज का नाम देते हैं, आप इसको नाम देते हैं फूड वैक्यूल का। इसके अलावा यहाँ पे ये पार्टिकल हो गया, ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ऐसे मुड़ी हुई है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्यूडोपोडिया का नाम देते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर हमने एक और अमीबा के नाम पढ़ा, अब हम जैसे पैरासाइट अभी हम पढ़ रहे थे, नाम उसका क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या, ये अमीबिक डायसेंट्री का बायस बनता है। इंटेस्टाइनल ये एक कह लेंगे आप अमीबा है, इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमन के अंदर रहता है, वहीं पे ये क्या करेगा, फिर डायसेंट्री का बायस बनता है। फिर हमने पढ़ा जायंट अमीबा के बारे में, जायंट अमीबा जैसे हमारे पास है पिलोमैक्सा प्लास्टरिस, पिलोमैक्सा प्लास्टर हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स हैं। प्रिमिटिव यूकैरियोट्स का मतलब ऐसे यूकैरियोट्स जो अभी एवोल्यूशन हो रही थी, प्रोकैरियोट्स से क्या बने यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स बेहतर जानते हैं जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, यूकैरियोट जिसमें वाज़े न्यूक्लियस पाया जाए। तो जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट का सफर था, उसमें जो प्रिमिटिव आपके पास यूकैरियोट्स आते हैं हमारे पास, वो क्या है, हमारे हम कहते हैं ये पिलोमैक्सा प्लास्टरस है। इसके अलावा पिलोमैक्सा प्लास्टरस में मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी गेन कहां से करता है, मैथोजेनिक बैक्टीरिया। मैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो इसी के अंदर ही रहते हैं, इसी के अंदर रहेंगे, उससे ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करता है। रहते ये कहां पे हैं, इनकी एक लिहाज से लोकेशन कहां पे है, हम कहते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जो बॉटम है, जो मड होती है, ये वहां पे रहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। डिग्रेडेशन किस चीज के करते हैं, डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज का तोड़ना, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज की ब्रेकडाउन। तो अब ये डिग्रेडेशन करेंगे, डिग्रेडेशन किस चीज के करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो उस मट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये उसकी क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या है, अगर हम ज़ूफ्लैजिलेट्स को देखें, ज़ूफ्लैजिलेट्स हम कहते हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मोस्टली यूनिसेलुलर हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल की फॉर्म में पाए जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स की जो करेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज, दे आर यूनिसेलुलर। हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है, यूनिसेलुलर है। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉलोनियल की फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर हम इसमें लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन इसमें कैसे होगी, अगर आपको याद हो अभी हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे, अमीबा में जो लोकोमोशन होती है वो स्यूडोपोडिया से होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्यूडोपोडिया नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैजेला पाए जाते हैं, यहाँ पे फ्लैजेला पाए जाएंगे। फ्लैजेला कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं मैनी फ्लैजेला। अब यही फ्लैजेला यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, एंटीरियर एंड्स। जो एंटीरियर एंड होगा ये वहां पे पाए जाते हैं। अब एंटीरियर एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें, अगर हम कहते हैं हमारे पास इस तरीके से, ये कुछ ऐसे डायग्राम है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, अगर हम ज़ूलॉजी की बात करते हैं, अगर हम बायो में ज़ूलॉजी की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, तो एंटीरियर का मतलब होगा नियर द हेड। नियर द हेड यहाँ पे इस तरीके से ये सारे के सारे, ये फ्लैजेला जो है यहां से इसकी बॉडी से इमर्ज है, या फिर हम कहते हैं इसकी बॉडी से ऐसे निकले हुए, इसकी बॉडी से ऐसे निकले हुए हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक न्यूक्लियस बना दिया हमने, और इस तरीके से यहाँ पे ये बाकी बॉडी के पार्ट्स हो गए साइटोप्लाज्म, या फिर ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे फ्लैजेला हैं। इसी फ्लैजेला की मदद से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लैजेला एक हो सकता है, फ्लैजेला मैनी हो सकते हैं। अब द ज़ूफ्लैजिलेट्स, ज़ूफ्लैजिलेट्स पुश दियर बॉडी। ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पुश करते हैं, अपनी बॉडी को पुश फॉरवर्ड करते हैं बाय लैशिंग। लैशिंग का मतलब क्या होता है, लैशिंग का मतलब होता है किसी चीज का लहराना, जो चीज जैसे हंटर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर जैसे है, तो हंटर जैसे आप देखा होगा आपने, तो हंटर जैसे ऐसे मतलब मूव कराते हैं उसको, तो उसमें जो लहरें या फिर लहरा के वो मूव करता है, ऐसे ही यहाँ पे जो फ्लैजेला है वो मूव करेंगे। फ्लैजेला की वजह से, फ्लैजेला मूव करेंगे, इसकी बॉडी जो है वो मूव फॉरवर्ड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके फूड की, तो फूड ये कैसे गेन करते हैं, तो फिर फूड इस लिहाज से गेन करते हैं, दे इंजेस्ट, ये इंजेस्ट करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। किस चीज को बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिंदा चीजों को।
इसके अलावा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म वहीं पे डेड ऑर्गेनिज्म को भी ये इंजेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें से इसके कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे डीकंपोजर किसी दौर में आपने पढ़ा था, ये क्या करते हैं उसको बॉडी में लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो जूफ्लैजिलेट्स हैं, जूफ्लैजिलेट्स के हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं, किस लिहाज से, इसकी यूं समझ लें रहन सहन के लिहाज से। अब कैसे, जैसे हम कहते हैं इसमें से कुछ हमारे पास सिम्बियोंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास यहां पे क्या शामिल हैं, पैरासाइट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं हम कहते हैं वो हमारे पास हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिम्बियोंट्स क्या होता है, किसी दौर में आप लोगों ने पढ़ा था सिम्बियोसिस, किसी दौर से मुराद 10th में आपका पढ़ के आए और अभी भी फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा था। सिम्बियोसिस क्या होता है, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हासिल करती हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फायदा हासिल करते हैं। अब यहां पे रिलेशनशिप जैसे हमारे पास है एक जूफ्लैजिलेट्स जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकोनिम्फस, ट्राइकोनिम्फस हमारे पास एक लिहाज से ये कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉम्बिनेशन है। ट्राइकोनिम्फस कहां पे रहता है, ट्राइकोनिम्फस रहता है इनसाइड द टर्माइट गट। टर्माइट किसे कहते हैं, हम दीमक को कहते हैं। अब दीमक ने क्या करना है, लकड़ी खानी है, फिर वो जो लकड़ी या फिर जो वुड है, वुड किससे बनी होती है, मेनली हम कहते हैं उसके अंदर सेलुलोज होते हैं। वुड कहां पे जाएगी, दीमक, दीमक के कह लें कि बॉडी के अंदर जाएगी, उसको भी तो डाइजेस्ट करना है। इस सूरत हाल में ट्राइकोनिम्फस कहां पे रहते हैं, लिव इनसाइड द टर्माइट्स, टर्माइट्स जो है उसके अंदर ये रहेंगे, फिर ये क्या करते हैं उसकी हेल्प करते हैं। हेल्प किस चीज में करते हैं, डाइजेशन में, किस चीज की डाइजेशन में, वुड में। तो दीमक या फिर टर्माइट्स क्या हेल्प कर रहा है, रहने के लिए जगह भी तो दे रहा है, खुराक भी तो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है हम उसको नाम देते हैं ट्राइपैनसोमा। ट्राइपैनसोमा हमारे पास क्या है, जूफ्लैजिलेट्स है, इसकी वजह से एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम किस चीज का नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगी इससे, और इसके अलावा ये एक फ्लाई, एक मक्खी है, उस मक्खी को हम किस चीज का नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं टीसी भी पढ़ते हैं, सेटसी भी पढ़ते हैं। अगर आप सेटसी पढ़ें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। सेटसी फ्लाई है, जब वो मक्खी काटती है फिर उसके अंदर ये पैथोजिन होते हैं, या फिर आप कह लें कि ये पैरासाइट्स होते हैं, ये इंसान जाते हैं, इसकी वजह से वो जो इंसान होता है मतलब काफी देर तक